वेलकम बैक टू माय चैनल भावना विपिन तिवारी। आज हम फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। आज मैं आपको ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहां पे भोले बाबा की शिवलिंग की खुद हम स्थापना करते हैं और उनकी पूजा की जाती है, वो भी गंगा नदी के किनारे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए शुरू करते हैं। आज सोमवार का दिन है और सावन का सोमवार मतलब सोने पे सुहागा, तो हम सुबह घर से जल्दी निकल गए हैं मंदिर जाने के लिए। मौसम के हाल तो आप देख ही सकते हो कितना सुहाना हो रहा है। क्लाउड्स को, बादलों को देख के लग रहा है जैसे हम हाथ से पकड़ लेंगे, बट ऐसे पकड़ नहीं पाते हैं इनको, ये धुंध होती है केवल। कई बार क्रॉस किया है इसमें से। ये मेरी फ्रेंड है दिव्या, ये मास्क इसने क्यों लगाया, इसके मुंह से अब खुश तो नहीं है। ये मास्क लगाई क्यों आई तुम? चालान हो रहा है, आपको नहीं पता? हाँ अब परसों कंप्यान में चालान हो रहा था, वहाँ समझो। चलो हम दुपट्टा बांध लेंगे और क्या। देखा आप लोगों ने, चालान इम्पोर्टेंट है, सेफ्टी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये दुपट्टा बांध दिए। कोरोना की तीसरी वेव कब आएगी? कहाँ? हाँ खतर भगवान के सब। और जो लॉकडाउन ही हो गया। वाह यार हद है, मतलब इन लोगों का ज्ञान देखो। एक पूछ रहे हैं कोरोना की तीसरी वेव कब आ रही है, दूसरी मैडम बोल रही हैं कि पहुंच तो गई है उत्तराखंड। और क्यों पहुंची है पता है? क्योंकि दूसरी जगह पे लॉकडाउन है। अच्छा, कोवैक्सीन में नहीं आ रही। आपने कौन सी लगवाई थी? कोवैक्सीन। कोवैक्सीन में नहीं आ रही। इन्हें तो आया था। हाँ क्योंकि मेरी मम्मी ने सेकंड डोज लगाई ना। हाँ कोवैक्सीन लगाई थी। सेकंड डोज में नहीं आ रहा, फर्स्ट डोज में आ रहा है। पहले मम्मी ने कौन सी लगवाई थी? पहले तो कोविशील्ड लगी और दूसरी कोवैक्सीन। पागल हो क्या? नहीं नहीं वो खुद लगाई है उन्होंने। वो पागल है, वो जो वैक्सीन पहली डोज लग रही है ना उसी की दूसरी लेनी चाहिए। वो तो अलग अलग लगा रहे हैं। तुमने भी दूसरी लगवाई? नहीं मेरे पे नहीं लगी। हाँ तो दूसरी लगवाना, जो लगवाई वही लगवाना, उससे कोई काम ही नहीं करेगा। वो खुद बोल रहे डॉक्टर। चुप रहो। क्या लगा रहा दूसरी, अब नहीं लगा रही। गाइस इन लोगों की बक बक सुना फिर से मेरा दर्द हो गया सर में। इन लोगों का कन्फ्यूजन दूर करो, इनको बताओ कि वैक्सीन लगाने का प्रॉपर प्रोसीजर क्या है। भी कोवैक्सीन लगी है तो कोविशील्ड लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इन लोगों को एक बार। फाइनली गाइस हम पहले मंदिर पे पहुंच गए हैं। ये मंदिर हमारे कैंप के अंदर है जहाँ हमारा वर्क स्टेशन है। आपका कैंप, ये कैंप है ये वाला? अच्छा कैंप के अंदर है, गेट के अंदर आ गए। कितने बड़े बड़े आ गए आप, कितने बड़े बड़े आ गए। काली का मंदिर ये प्रवेश किसका है? यही तो है मंदिर। अच्छा यही है शिवालय? नहीं ये काली का मंदिर, शिवालय आ गया। दिव्या कहाँ हो? ये
शिवलिंग का माता है जहाँ पे मंदिर नहीं है। हाँ। नीचे हवाई पट्टी है। अच्छा वो तो उनका मायका है ऊपर और ये ससुराल है। अच्छा ये ससुराल वो मायका है। इस मंदिर की स्टोरी कुछ ऐसी है, एक मंदिर है ऊपर हवाई पट्टी पे, हवाई अड्डे पे, तो वो इनका मायका है और यहाँ जो अभी हम मंदिर पे हैं ये इनका ससुराल है। तो 6 महीने ये वहाँ रहती हैं और 6 महीने बाद धूमधाम से इनको मायके में, सॉरी ससुराल में लेके आया जाता है। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि ये अभी पिछले 1 साल से अपने मायके में नहीं जा पाई हैं क्योंकि कोरोना आ गया था, तो कोरोना में कोई बड़ा फंक्शन करना अलाउड नहीं था, तो ये 1 साल से अभी अपने ससुराल में ही हैं। तो हम मूव करने वाले हैं जहाँ पे हमें शिवलिंग की स्थापना करके और शंकर भगवान की पूजा करनी है। आराम से उतरना, सस्ता सही नहीं है। तो हम पहुंच गए हैं गंगा नदी के किनारे और यहाँ की आपको मान्यता मैं बता दूं, जो भी इंसान अपने हाथ से शिवलिंग की स्थापना करता है और उनकी पूजा करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी की जाती हैं यहाँ पे, ऐसा यहाँ का मानना है। तो मुझे तो पूरा विश्वास है भोले बाबा पे, तो आज हम यही करने वाले हैं, उनको अच्छे से नहला के उनकी स्थापना करवाएंगे, फिर उनकी पूजा करेंगे। स्थापित की हुई शिवलिंग को ऐसा मानते हैं कि अगले दिन गंगा मैया अपने साथ में उनको ले जाती हैं। ये है हमारे इंडिया की, ये है हमारे देवभूमि उत्तराखंड की सुंदरता। लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए, यहाँ आइए और प्योर नेचर का मज़ा लीजिए। अभी ये गंगा नदी इतनी तेज़ बहाव से बह रही है और आगे जाके इसमें अभी 3 से 4 नदियाँ और मिलने वाली हैं जो कि ऋषिकेश हरिद्वार तक पहुँचते पहुँचते अपना रौद्र रूप धारण कर लेती हैं। यहाँ कुछ लोग स्थापना करने के लिए शिवलिंग ढूंढ रहे हैं, अच्छे से भोले बाबा मिल जाएं और उनकी स्थापना करें। मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मैं भी ढूंढ के लाता हूँ, फटाफट से स्थापना करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लोगों ने स्थापना कर रखी है, छोटे छोटे दो भोले बाबा बैठे हुए हैं। हमारे भोलेनाथ की शिवलिंग हमें मिल गई है तो हम उनकी स्थापना करने जा रहे हैं।
दीदी है तो दे दो ये चल रहा है फोटो शूट शिव जी का ये आ रही पता ऐसा हो रहा वो दिया लेके चलती जल्द हमने उठा लिया फिर से फाइनली गाइस हमारी आज की ट्रिप कंप्लीट हुई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा आज आपको वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ऐसे दूसरी वीडियो आएगी शिवालय की जो मैंने अभी इसमें स्क्रीन डाली क्योंकि वो बड़ी हो जाती है बिना कमेंट के नहीं जाने देंगे।